सपोज एक अंधेरी रात में तुम एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो, ना तुम्हारे आगे कोई है ना तुम्हारे पीछे कोई है। सडनली तुम्हारे पीछे से किसी की पैरों की आवाज़ आता है, और जब तुम पीछे घूमते हो तो तुम्हारे सामने आ जाता है कुछ ऐसा फेसलेस इंसान। तो तब तुम क्या करोगे? बचपन में जब हम शरारत करते थे तो हमें शांत कराने के लिए एक हॉरर स्टोरी सुनाया जाता था, और उस हॉरर स्टोरी में एक पर्टिकुलर क्रीपी कैरेक्टर होता था, और पूरा स्टोरी उसी कैरेक्टर के अराउंड होता था, और उस स्टोरी में उसके कुछ डरावने किस्से हमें सुनाया जाता था जिससे कि हम डरे। और उस स्टोरी में वो जो कैरेक्टर होता था उसे कहा जाता है द अर्बन लेजेंड। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही कुछ हॉरर अर्बन लेजेंड की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसको तुम शायद जानते होंगे। घने जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत ही छोटी सी टाउन में सारा, मार्क और लीजा नाम के तीन सिस्टर जब स्लेंडरमैन नाम की एक मिस्टीरियस स्पिरिट के बारे में जब सुनते हैं तो तब वो उस स्टोरी से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो तीनों फैसला करती है कि उस अर्बन लेजेंड द स्लेंडरमैन के पीछे की रहस्य को निकालने का। क्यूरियोसिटी में वो तीनों कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके ये उत्साह तब डर में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि स्लेंडरमैन को अक्सर पेड़ के नीचे देखने को मिलता है। हकीकत में वो बहुत ज़्यादा लंबा था और उसका फेस फीचरलेस था, ना ही उसके मुंह में कोई नाक था ना ही कोई आँख, उसके फेस में कुछ भी नहीं था। और यही बात उन तीनों को सता रही थी। और वो तीनों जब जंगल के थोड़ा और गहराई में जाने लगते हैं तो तब वहाँ का एटमोसफियर चेंज होने लगता है, और जंगल इतना घना था कि वहाँ पर सनलाइट भी ठीक से नहीं आता था। उन तीनों में से सारा को एक बहुत ही पुराना घर देखने को मिलती है। क्यूरियोसिटी में आके वो तीनों उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ नोट्स, कुछ ड्राइंग्स देखने को मिलती है जो कि उसी स्लेंडर मैन को इंडिकेट्स कर रहा था। वो तीनों डरने के बावजूद भी अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान थे कि उन तीनों को कोई नज़र रख रहा था। रात बढ़ने के साथ साथ उन तीनों का डर और बढ़ने लगती है। सारा को ऐसा लगने लगता है कि वो स्लेंडर मैन को देख पा रही है, और जिसका बॉडी बहुत ही लंबा था। मार्क को किसी की बात करने की आवाज़ आती है जो कि और गहरा होता जा रहा था। खतरे को महसूस करके लीजा अपने दोनों सिस्टर को वहाँ से चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पर वो तीनों स्लेंडर मैन को देख पाती है जो कि फेसलेस था, और उसको देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। डरने की वजह से वो तीनों जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो स्लेंडर मैन फिर भी उन तीनों का पीछा नहीं छोड़ता है, और वो तीनों चारों तरफ से उस स्लेंडर मैन को महसूस कर पा रहे थे और वो चारों तरफ से घिर चुके थे। ठीक तभी एक बहुत ही तेज रोशनी चारों तरफ से फैल जाती है और वो तीनों बेहोश हो जाती है। जब उन तीनों को होश आता है तब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था और वो तीनों सही सलामत थे, जिसके बाद वो तीनों सही सलामत अपने टाउन में वापस चली जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सारा, लीजा और मार्क के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर पड़ा था, और वो तीनों समझ चुके थे कि कुछ अर्बन लेजेंड की इस कहानी के सच्चाई को निकालने के लिए वो स्लेंडर मैन की ट्रैप में पड़ गए थे। उन लोगों के साथ जो भी हुआ था वो कहानी पूरे टाउन में स्प्रेड कर दिया गया था। ये कहानी भी शुरुआत होती है एक बहुत ही हैप्पी टाउन को दिखाते हुए। इस टाउन में एक अर्बन लेजेंड की खौफ था जिसके नाम से पूरे टाउन के लोग डरते थे, और इस अर्बन लेजेंड का नाम था द स्माइलिंग मैन, जो कि हर चांदनी रात पर अपीयर होता था। कहानी के अनुसार द स्माइलिंग मैन एक बहुत ही लंबा और पतला इंसान था, और उसके चेहरे में एक बहुत ही क्रीपी स्माइल था
जिन लोगों ने भी उसे फेस किया है उन लोगों का कहना है कि वो लोगों के अंदर डर पैदा करके खुश होता था। एक रात में एमिली नाम की एक लड़की टाउन के रोड से अपने घर जा रही थी। जिस रास्ते से एमिली जा रही थी उस रास्ते में उतना ज़्यादा लाइट नहीं था। जाते जाते जब एमिली रोड की दूसरी तरफ देखती है तो उसका हार्ट बीट एक पल के लिए थम जाता है, क्योंकि रोड की दूसरी तरफ उसे द स्माइलिंग मैन लैम्प पोस्ट के नीचे खड़ा हुआ दिखती है, जो कि एमिली को ही देख के एक इविल स्माइल दे रहा था। उस स्माइलिंग मैन को देखते ही एमिली अपनी चलने की स्पीड को बढ़ाती है, लेकिन एमिली कितनी भी तेज क्यों ना चले वो स्माइलिंग मैन उसके पीछे ही था, बल्कि वो थोड़ा और करीब आ रहा था। जब एमिली नोटिस करती है कि वो आदमी उसके पीछे ही है, वो डर के वजह से दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते वो कभी किसी गली में, कभी किसी सुनसान पार्क में, कभी किसी रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन वो आदमी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जब एमिली की हिम्मत जवाब देने लगती है तो तब वो एक बहुत ही पुराना अबंडोंड बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जो पहले कभी एक एजाइलम हुआ करता था। वहाँ पर जाके वो दरवाजा से उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है उस स्माइलिंग मैन से बचने के लिए। एजाइलम के अंदर जब एमिली जाती है तो वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और एमिली उस अंधेरे के अंदर से ही चलती जा रही थी। डर की वजह से उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर सिर्फ वो अकेला नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद उसे डरावनी स्माइल सुनने को मिलती है, जो कि वही स्माइलिंग मैन का था। कुछ दूर जाने के बाद एजाइलम की कॉर्नर में एमिली को एक फाड़ा हुआ जर्नल मिलती है, जो कि उस एजाइलम में रहता एक मेंटल पेशेंट की होती है, और ये मेंटल पेशेंट कोई और नहीं वही स्माइलिंग मैन होता है, जिसमें उसका डार्क स्टोरी लिखा हुआ था। जब एमिली उस जर्नल को पढ़ने की कोशिश करती है तो तब उसे पता चलती है कि उस स्माइलिंग मैन की स्पिरिट को मुक्ति चाहिए, जिसके लिए उसे रिचुअल्स करनी पड़ेगी। डरते डरते एमिली रिचुअल्स की ज़रूरती सामान को इकट्ठा करके रिचुअल्स को पूरी करती है। मंत्रा के आखिरी वर्ड पूरे होने के साथ ही एक बहुत ही ब्राइट लाइट पूरे अंधेरा को घेर लेता है और एमिली तब बेहोश हो जाती है। जब एमिली को होश आती है तो तब वो देखती है कि वो उस बिल्डिंग में बेहोश होकर पड़ी हुई थी, और उस स्माइलिंग मैन का स्पिरिट भी वहां से जा चुका था। एमिली की द स्माइलिंग मैन के अगेंस्ट जीत की खबर पूरे टाउन में फैल जाता है, और इसके बाद टाउन में से द स्माइलिंग मैन का ख्वाब भी चला जाता है। लेकिन आज भी वो एजाइलम द स्माइलिंग मैन की सबूत के तौर पर खड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी टाउन को दिखाते हुए, जहाँ पर एक कपल नाइट आउट के बाद देर रात से कार से अपने घर वापस आ रहे थे। जब वो कपल घर पहुँचने ही वाले थे तब वो रोड के दूसरी तरफ दो स्ट्रेंज बच्चों को देखते हैं। जब वो कपल उन दोनों बच्चों के पास जाते हैं तो तब वो देखते हैं कि उन दोनों बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की है, जिनका एज करीब 10 साल होगा। लेकिन वो कपल जब उन दोनों बच्चों की आँखों की तरफ देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों बच्चों का आँख पूरा ब्लैक था और वो दोनों बच्चों एक ध्यान से उन कपल को ही देखे जा रहे था। क्यूरियोसिटी में आके कपल में से लेडी कार के शीशे को नीचे उतार के उन दोनों बच्चों से पूछते कि वो दोनों यहाँ अकेला क्या कर रहा है, या फिर क्या वो अपने पेरेंट्स से गुम हो चुके हैं कि नहीं। लेकिन वो दोनों बच्चों जवाब तो देता है, लेकिन बहुत ही एक क्रीपी साउंड में, जैसे उन दोनों बच्चों के अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। जब वो कपल दोनों बच्चों के पास जाते हैं तो वो दोनों बच्चों उन कपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, एंड उनसे अपने कार से ड्रॉप करने को भी बोलते हैं। लेकिन वो कपल इतना डर चुके थे कि वो उन दोनों बच्चों के रिक्वेस्ट को इनकार कर देते हैं, और उन्हें एहसास देते हैं कि जल्दी ही उनके पास कोई ना कोई मदद आएगा। ऐसे करके जब वो कपल उन दोनों बच्चों को छोड़ के जाने लगते हैं तो तब वो अपने कार के मिरर में देखते हैं कि वो दोनों बच्चों एक बहुत ही क्रीपी स्टाइल में अपने हेड को मूव करता है, जो कि बहुत ही एक क्रीपी बात है। ऐसे बहुत सारे ब्लैक आई चिल्ड्रन के बारे में रिपोर्ट्स दुनिया के हर कोने से मिले हैं, और अक्सर जब लोगों ने इसे फेस किया है तो बहुत ज़्यादा डर जाने का दावा करते हैं, और ये कहीं पर भी अपीयर हो सकते हैं। आमतौरों पर ये आपसे हेल्प मांग के आपके घर, आपके कार या फिर आपके कोई भी प्राइवेट जगह पे घुस सकते हैं। इस ब्लैक आई चिल्ड्रन का ओरिजिन एक मिस्ट्री है,
कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कोई डरावनी फिनोमेना है जो कि हमारे समझ के बाहर है। अगर आप ऐसी कोई भी अर्बन लेजेंड के सामने आ जाते हो तो एक भी वक्त ज़ाया ना करके वहाँ से भागो जितनी तेज़ हो सके। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गो एंड वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर क्रीपी कॉन्टेंट।